हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो गाइस यार, मैंने वीक वन एक्सप्लेन कर दिया एंड सीजन चैलेंज भी, दोनों आप लोग मेरे रिसेंट वीडियो जाके देख सकते हो, दोनों एक्सप्लेन है। अभी गाइस बारी आती है वीक टू मिशन एक्सप्लेन करने की, कि कैसे आप लोग वीक टू के सारे मिशन एक्सप्लेन कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरा वीक टू भी ओपन हो चुका है, देखता हूँ, हाँ ओपन हो चुका है। तो गाइस आइए फटाफट से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग को ऐसी वीक से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। यार यहाँ पे मैं आ चुका हूँ वीक टू के सबसे पहले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है यूज एड्रेनालाइन सिरिंज 6 times इन क्लासिक मोड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है एड्रेनालाइन सिरिंज, जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, क्या सर आप लोग को यही एड्रेनालाइन सिरिंज को 6 times यूज करना है, वो भी क्लासिक मोड के अंदर। तो खैर कोई बड़ी बात नहीं, बट जो एड्रेनालाइन सिरिंज है ये आपको मिल जाए ये बड़ी बात है, और जैसे ही मिल जाएगी आप उसका यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसमें कोई भी हेल्थ का इशू नहीं होता है, आपका फुल बूस्ट होगा तब भी वो यूज़ हो जाएगी। तो आप लोग उसको यूज़ कर लेना 6 times। इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा पिकअप स्मोक ग्रेनेड इन 5 matches इन क्लासिक मोड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो स्मोक ग्रेनेड होता है उसको आपको पिकअप करना है 5 matches के अंदर में। स्मोक ग्रेनेड जो आपका एक ग्रेनेड होता है वो नहीं, स्मोक ग्रेनेड जिससे आपका स्मोक होता है उसको पिकअप करना है 5 matches के अंदर में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है सर्वाइव फॉर अ टोटल ऑफ 60 minutes इन क्लासिक मोड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप लोग को 60 minutes सर्वाइव करना है, वो भी क्लासिक मोड के अंदर। देखो सर्वाइव करने का कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग इजीली सर्वाइव कर सकते हो, वो भी बहुत आसानी से, ठीक है। आपका 2 classic 3 classic mode समझ, अगर एरिंगल का अगर लिविक मान के चलते हो तो आपको 5-6 समझ के चलो, ठीक है। तो आपका ये वाला मिशन कम्प्लीट हो जाएगा। एंड के इसको चलते अपने अगले वाले मिशन पे, ये रिपीटेबल है। इसमें लिखा है वीक टू ओनली स्पेंड 100 minutes इन मैचेस। तो यार आप लोग को गेम के अंदर 100 minutes स्पेंड करना है, और जैसे कर लोगे आप लोग को 60 RP points मिल जाएगा और ये मिशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। और आपको बता दो, ये अभी वीक वन का काउंट होगा, वीक टू का काउंट भी नहीं होगा। इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है फ्रेंड बूस्ट। फ्रेंड बूस्ट क्या होता है मैं आपको समझा दूं। जैसे कि आपने डुओ या स्क्वाड में कोई बंदा लिया, उस बंदे ने वो बंदा आपका फ्रेंड होता है एंड उस बंदे ने भी रॉयल पास लिया होता है आपकी तरह। तो अगर वो बंदा आपके साथ ये वाला मिशन कंप्लीट करता है, मिशन ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग भी कंप्लीट करोगे तो उसका भी ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। मिशन में लिखा है एलिमिनेट 10 enemies विद असोल्ट राइफल इन पुचिंग की एरेंगल इन क्लासिक मोड। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो असोल्ट राइफल गन्स होती हैं उनमें आपको 10 kill करना है पोचिंकी में। असोल्ट राइफल गन कौन कौन सी है आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो AKM है, M16 है, स्कारल है, M416 है, ग्रोजा है, AOG है। तो इस तरीके से जितने भी गन आप लोग देख सकते हो कि ये सारी गन आती हैं असोल्ट राइफल के अंदर, बोले तो AR के अंदर। तो यार इन गनों में से किसी भी गन से आप लोग को 10 kill करना है पोचिंकी के अंदर, ठीक है। तो आप लोग कंप्लीट कर लेना। इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है फ्रेंड बोनस। फ्रेंड बोनस क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि आपने डुओ स्क्वाड में कोई बंदा लिया, वो बंदा आपका फ्रेंड होता है, उसने भी रॉयल पास लिया होता है, तो अगर वो बंदा आपके साथ ये वाला मिशन कंप्लीट कर लेता है तो बोनस में आपको 30 RP points एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आप भी कंप्लीट कर लेते हो तो उसको भी बोनस में 30 points एक्स्ट्रा मिल जाएगा। मिशन में लिखा हुआ है फिनिश 4 enemies विद M24 इन क्लासिक मोड। तो M24 जो स्नाइपर राइफल है उस गन से आपको 4 kill करना है, वो भी फिनिश करना है मतलब, ठीक है। और जैसे ही कर लोगे आप लोग का ये वाला मिशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर अपने फ्रेंड के साथ करोगे तो उसको 30 bonus RP points एक्स्ट्रा मिल जाएगा। चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है टीम बूस्ट। टीम बूस्ट क्या होता है मैं आपको समझा दूँ। जैसे कि आपने स्क्वाड लगाया, स्क्वाड के जो बंदे हैं वो आपके फ्रेंड होते हैं एंड एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं। तो अगर उनमें से कोई भी एक बंदा ये वाला मिशन कंप्लीट करेगा तो जो बाकी 3 और मेंबर स्क्वाड के उनको अलग से कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं है। मिशन में लिखा हुआ है विन 3 matches वाइल इक्विपिंग स्पॉन्स हेलमेट level 3 विद अ टीममेट इन क्लासिक मोड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको 3 chicken dinner करना है, वो भी जब आप level 3 का हेलमेट पहने हुए हों, वो भी जब आपके टीममेट आपके साथ हों। तो खैर ये मिशन तो मुश्किल तो है, पर इतना भी मुश्किल नहीं कि कंप्लीट ना करा जाए, क्योंकि आजकल बंदे इतना एडवांस हो चुके खेलने के लिए कि मतलब इनके साथ ईजी हो जाता है इस मिशन कंप्लीट करना, चिकन करना। तो आप लोग ईजिली इसको कंप्लीट कर सकते हो। एंड गाइस इसके चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है फिनिश 10 enemies विद हेडशॉट इन क्लासिक मोड। आप लोग को 10 बंदों को हेडशॉट मार के फिनिश करना है। नॉक कैसे भी करो, किसी भी गन से नॉक करो, लेकिन हेडशॉट मार के ही फिनिश करना है, ठीक है। और जैसे ही कर लोगे आपको 60 RP points मिल जाएगा। इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पे, जिसमें लिखा है ओपन अ क्रेट इन 5 matches इन क्लासिक मोड नूसा। तो आपको 5 crate को ओपन करना है नूसा के अंदर। तो गाइस यार ये जो लोकेशन है ये तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये जो नूसा मैप है इसकी जो क्रिस्टल जो बे इलाका है ना,
ये एकदम आपको एकदम शुरू में दिख जाएगा, मतलब कभी प्लेन पास जाएगा वहाँ से कभी नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग ईजिली पहुँच जाओगे। तो आप लोग को नूसा मैप में जो क्रिस्टल बे है, आप लोग नाम याद रख लो एक बार फिर से, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नीचे जाके। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो क्रिस्टल बे है, आप लोग को यहाँ पे जो छोटा सा आइलैंड बना हुआ जो कि एकदम नूसा से अलग है, तो आप लोग को यहाँ पर जाना है। और मैं आपको बता दूँ, देखो जैसे मैं ये वीडियो डालूंगा, शायद कि कोई वीडियो डालेगा नहीं इससे पहले, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। तो आप लोग बता दो कि यहाँ पे बंदे बहुत ज़्यादा आएंगे, तो आप लोग याद रखना कि यार मरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको ऐसे डुओ सोले इसमें करना जिसमें आपकी रैंक माइनस ना हो। तो आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप लोग को ये जो क्रेट है ये देखने को मिल जाएगी। और जैसे मैं यहाँ पे लूटने आया तो मेरा इतना कमीना दोस्त कि वो सारा उठा गया, और यहाँ पे एक की मिली थी। अब उस की का कैसे यूज़ करना था उसको मैं बताता, लेकिन उस साले ने मतलब क्या ही बताऊँ, वो लूट गया भाई मेरे सामने से, मतलब मैं तो टूट गया भाई। और आपको बता दो यहाँ पे सिर्फ एक क्रेट नहीं मिलती है, यहाँ पे दो क्रेट मिलती है, एक तो इस जगह पे मिलती है, एक इस जगह पे मिलती है। अगर आप लोग दो बंदे हो तो आप लोग आराम आराम से एक एक लूट लेना। एंड गाइस बहुत सारे बंदे अब ये कहेंगे कि भाई सिर्फ ये दो जगह नहीं है, नूसा मैप में काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पे ये क्रेट मिलती है। देखो गाइस सर, मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा था तो मुझे ये दो जगह मिली है, और अगर बहुत सारी जगह पे मिल रही है तो प्लीज़ यार आप लोग कमेंट में उस जगह का लोकेशन डाल देना, ताकि आप लोगों की वजह से और भी लोगों की हेल्प हो जाएगी, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा। और जिसने सबसे अच्छी लोकेशन बताई रहे कि मैं उसका कमेंट पिन भी कर दूंगा, ताकि और लोग भी देख पाएंगे। अभी तो फिलहाल मैंने दो ढूंढ लिए, लेकिन अगर आपको भी कंप्लीट करना है तो आप लोग इन दो लोकेशन पर जाके फटाफट एक लोकेशन पर जाके दो दो क्रेट ओपन कर सकते हो। और आपका ये जो मिशन है जो हो गया अभी तक नहीं कम्प्लीट है, तो आप लोग इसको ईजिली कम्प्लीट कर सकते हो बहुत आसान तरीके से। चलते अपने अगले वाले मिशन पर जिसमें लिखा है वीक टू ओनली लॉग इन इनटू द गेम ऑन अ टोटल ऑफ 3 डेज। आप लोग को 3 दिन लगातार गेम लॉग इन करना है, और अभी ये वीक 1 का काउंट होगा। इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पर जिसमें लिखा है फिनिश 1 एनिमी विद स्कारल इन क्लासिक मोड। आप लोग को स्कारल से एक किल करना है क्लासिक मोड के अंदर। इसके बाद चलते अपने अगले वाले मिशन पर जिसमें लिखा है फिनिश इन द टॉप 10 लिविक 1 टाइम इन क्लासिक मोड। लिविक के अंदर आपको टॉप 10 आना सिर्फ एक बार, चाहे सोलो डुओ स्क्वाड किसी में भी आ जाओगे आपका मिशन कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। एंड के सब चलते अपने लास्ट मिशन पे जिसमें लिखा है कंप्लीट 1 मैचेस विद फ्रेंड इन एनी मोड। आप लोग को एक मैच खेलना है वो भी फ्रेंड के साथ, वो भी बहुत मतलब कोई सा टीडीएम भी खेल लोगे वो भी काउंट हो जाएगा, या आप लोग एरिंगल खेल लोगे वो भी काउंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे मिशन वीक 2 के ईजिली कम्प्लीट कर सकते हो, मैंने सब कुछ ईजिली समझा दिया आपको।